स्किन को ब्यूटीफुल बनाना हो या फिर प्रेगनेंसी के बाद बढ़े हुए वेट को लूज करना हो, अजवाइन के लड्डू के हजारों फायदे हैं। आज हम आपको इसे बनाने की पूरी रेसिपी सिखाएंगे और सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे सारे फायदों के बारे में। रजवाड़ी रसोई में थारो घणो घणो स्वागत है। मारवाड़ी खाने की रेसिपी सीखण खातिर मारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन में आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी त्वचा और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर भी होता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम अजवाइन को पीस कर उसका पाउडर बना लेंगे। इसके लिए आपको सिंपली इसे ग्राइंड करना है। तो पाउडर बना के अलग मैं रख लूँगी और ये मैंने आटा लिया है। कुछ लोग इसमें गोंद भी डाल रहे हैं, लेकिन मैं गोंद नहीं डालूंगी। अब सबसे पहले हमने घी डालना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो घी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जब घी हमारा गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। जो आटा हमने लिया था वो डालेंगे और लगातार इसको चलाते हुए पका लेंगे। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से हल्की खुशबू ना आने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और खून बहने की वजह से एनीमिया यानी कि खून की कमी होने का भी खतरा रहता है। इसलिए माँ को अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते हैं, ताकि माँ और बच्चे को बीमारियों से बचाया जा सके। ये लड्डू खाने से माँ और बच्चे को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात ये कि अजवाइन डिलीवरी के बाद शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के गुण रखती है। ये लड्डू खाने से माँ का दूध और पौष्टिक बनता है। तो है ना कितने फायदे। और भी मैं फायदे बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने इसमें घी डाला है, क्योंकि घी जब आपको कम लगे ना, हल्का सूखा सूखा लगे, तो आप इसमें थोड़ा और घी डाल दें। घी डालने के बाद मैं इसे और अच्छे से पकाती हूँ। ये जब तक लाल नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार कि प्रेगनेंसी के बाद जो बढ़ा हुआ वजन होता है ना, वो कम नहीं होता, तो अजवाइन के लड्डू खाने से वो भी कम हो जाता है। तो गैस को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है और हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लग गई है, मतलब ये पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अजवाइन का वो पाउडर डालेंगे जो हमने पीस कर रखा था, और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो बूरा चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये लड्डू खाने से प्रेगनेंसी के बाद का दर्द भी खत्म होता है और खून को भी ये साफ करती है। तो है ना, लड्डू एक और फायदे अनेक। तो आप इस लड्डू को जरूर ट्राई करें। घर में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको जरूर खिलाएं। बड़े बुजुर्गों को भी आप दूध के साथ ये लड्डू दे सकते हैं। उनके शरीर में अगर कहीं दर्द है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये फाइनली हमने चीनी भी मिक्स कर ली है। तो आपने देखा कि हमने कितनी कम चीजों का यूज किया है। अजवाइन का पाउडर, आटा, घी और चीनी, बस बहुत ही कम चीजें। आप चाहे तो इसमें खोया भी डाल सकती है या ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करके डाल सकती है। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर और भी कुछ नहीं डाला है, बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम फटाफट लड्डू बांध लेंगे। तो दोस्तों, इस लड्डू को बांधने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। आसानी से शानदार लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, टिप्स में आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप आटे को पकाकर नीचे उतारे ना गैस से, तो गरम गरम में ही आपको अजवाइन का पाउडर नहीं डालना है। उसे हल्का ठंडा करना है, फिर उसमें अजवाइन का पाउडर डालना है। तो इस टिप्स को याद रखें, फटाफट आप सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लें। आप इन्हें कई दिनों तक खा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से स्टोर कीजिए, ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, रजवाड़ी रसोई में आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।